प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। तो क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप सबने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का दैट आर इंटरलिंक टूगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग देम, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का दैट आर इंटरलिंक टूगेदर, जो आपस में आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, किसी न किसी संचार माध्यम के जरिए, टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमंग देम, आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज, अब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है कंप्यूटर नेटवर्क का वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क और फोर्थ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज इन स्कूल बिल्डिंग और इन एन आईसीटी लैब एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो दैट कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि इन ए स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर और इन एन आईसीटी लैब और आईसीटी लैब के अंदर जो 10-15 कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सबने हमारे आईसीटी लैब में भी देखा होगा 8-10 कंप्यूटर जो रखे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे कंप्यूटर्स के बीच में हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। मेन पर्पज होता है नेटवर्किंग का डाटा को एक्सचेंज करने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें एक दो तीन चार पाँच और छह कंप्यूटर सिस्टम को एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन का मीडिया है, यहाँ पे जर का माध्यम है, ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, इसका काम होता है डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, ठीक है। और ये हमारा सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को हम इकट्ठा यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह से ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगा होगा, सारे के सारे उस कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर यहाँ पे लगा होगा, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। वैसे नेटवर्किंग का मैं आपको मेन जो पर्पस होता है वो बता देता हूँ कि कंप्यूटर्स जो लगे होते हैं नेटवर्किंग के ऊपर वो सर्वर के ऊपर जो लगा होता है, चाहे वो प्रिंटर है चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, प्रिंटर लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, या उसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है उसको स्टोर करना है या उससे डाटा को लेना है सर्वर से, तो वो सारा डाटा का एक्सचेंज करना, ये प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना या फिर इंटरनेट को शेयर करना, ये सारा काम हम नेटवर्किंग के जरिए करते हैं, ठीक है। तो ये था एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, हाँ सॉरी, सेकंड आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क, अब हमारा सेकंड आता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट लैंड्स इन ए लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है अलग अलग जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं इन ए लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, एक बहुत ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, अप टू 5 to 50 किलोमीटर यानी 5 से 50 किलोमीटर के एरियाज में जितने भी कंप्यूटर्स लैंड होंगे यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होंगे उन सबको आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी इज अ सिटी वेयर एज द पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, ठीक है। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन नाम इसका पड़ा हुआ है ना वो इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये जहाँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब जो महानगर होते हैं उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी इज अ सिटी हियर एज द पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ऊपर होती है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, यानी कि महानगर जो है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और यहाँ में जितने भी
लोकल एरिया नेटवर्क्स होंगे, ये उन सबको आपस में जोड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया है ना, मुंबई है, जैसे मुंबई में एक लैंड पता नहीं कहाँ पे लगा, एक कहाँ पे लगा, एक कहाँ पे लगा, इन सारे के सारे लोकल एरिया नेटवर्क जो भी लगे होंगे, 40-50 लोकल एरिया नेटवर्क 5 से 50 किलोमीटर के एरियाज में उनको जो ये आपस में जोड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब थर्ड है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सच एज लैंड्स, मैन्स एटसेट्रा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मीन्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये कैसा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को, जैसे लैंड हो गई, मैन हो गई। ठीक है, जितने भी दुनिया भर में सारे नेटवर्क है ना, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, यानी कि पूरे संसार को, पूरे संसार में जितने भी नेटवर्क्स की टाइप्स हैं उन सबको जो आपस में जोड़ेगा, उस नेटवर्क को हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वो होगा हमारा एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइंस फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो यूज करता है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइंस को भी यूज करता है फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, जैसे USA है, ठीक है, ये चाइना है, ये HP है, मान लो ये दिल्ली है, यानी कि इंडिया के अंदर है ये स्टेट। यानी कि कहने का मतलब है कि वाइड एरिया नेटवर्क एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जोड़ेगा, ठीक है, और एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ेगा। ठीक है, केबल्स के जरिए भी और सैटेलाइट के जरिए भी। ठीक है, सैटेलाइट से भी सिग्नल रिसीविंग हो रही है। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे जो नेटवर्क्स हैं, हो सकता है यहाँ पे ये जो नेटवर्क्स हैं ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे लैंस अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तरह तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं, यानी तरह तरह के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हो सकते हैं कंट्री में, यानी कि सारे के सारे नेटवर्क्स को आपस में ये जोड़ रहा है केबल्स के जरिए भी। ठीक है, और वायरलेस भी, यानी कि सैटेलाइट के जरिए भी। ठीक है, अब ये रूटर लगा हुआ है और गेटवे लगा हुआ है, इनका काम होता है डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और सिक्योरिटी का। ठीक है, ये मॉडर्न ये डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये उपकरण हैं, उपकरण होते हैं जिनका काम होता है डाटा की फिल्ट्रेशन का, डाटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और डाटा की सिक्योरिटी का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है पैन, यानी कि अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सच एज ब्लूटूथ। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है एक वायरलेस संचार का माध्यम है बिटवीन डिवाइसेस उपकरणों के बीच में, जैसे कि ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के साथ जो हम डाटा शेयरिंग करेंगे उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क ही बोलेंगे। ठीक है, इकोनेट भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये थी नेटवर्किंग की फोर्थ टाइप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड मैन एंड वैन। लैंड मैन और वैन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जामिनेशन में बोर्ड के जो भी लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनमें ये सारे क्वेश्चंस थे वो पुट अप थे। ठीक है, फर्स्ट है लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। पहला डिफरेंस बिल्कुल आसान है, इनकी फुल फॉर्म ही है। ठीक है, सेकंड है लैन यूजेस गाइडेड मीडिया लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब ये जो लैन होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यूज करता है गाइडेड मीडिया, यानी कि वायर्ड मीडिया हो गया, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल थी, कोएक्सियल केबल थी एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये सारी गाइडेड मीडिया की टाइप्स हैं, यानी कि वायर्ड मीडिया की टाइप है। ठीक है, तो लैन इनको यूज करता है और मैन, मैन यूजेस बोथ। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं ये दोनों को यूज करता है, गाइडेड को भी और अनगाइडेड मीडिया को। ठीक है, एंड वैन यूजेस अनगाइडेड मीडिया लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जबकि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो अनगाइडेड भी यूज करता है और ये गाइडेड भी यूज करता है, या फिर गाइडेड भी ऐड कर लेना। ठीक है, वाइड यूजेस अनगाइडेड मीडिया लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंड प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन 100 kbps to 100 mbps। ठीक है,
अब ये जो लैन है इसमें जो डाटा का जो ट्रांसमिशन का जो स्पीड है, डाटा की जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 100 KB/s to 100 MB/s। ठीक है, 100 KB से 100 MB तक की इसकी डाटा ट्रांसमिशन की 1 सेकंड में स्पीड है। ठीक है, KBPS होता है किलोबाइट पर सेकंड और MBPS मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, मैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अभी जो मैन है यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो एक हाई स्पीड उपलब्ध करवाता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए 2 MB से 300 MB के बीच में। ठीक है, यानी कि 2 MB/s to 300 MB/s के बीच में ये मैन की स्पीड है। द स्पीड ऑफ वैन कैन गो अप टू 150 MB/s। ठीक है, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड जा सकती है हमारी 150 MB/s। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इट यूजेस इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब ये जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क इसमें ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, इनएक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होता है महंगा, महंगा का उल्टा है मतलब सस्ता हो गया मतलब। ठीक है, इनएक्सपेंसिव इट यूजेस मॉडरेट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब ये जो मैन है वो यूज करता है मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मध्यम दर्जे के, मान लो ज्यादा महंगे नहीं होते इसमें इक्विपमेंट। ठीक है, इट यूजेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब ये जो वैन है वो यूज करता है बहुत ही ज्यादा महंगे उपकरणों को, क्योंकि ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें सैटेलाइट यूज करते हैं, सैटेलाइट को भेजने का जो खर्चा आता है, स्पेस शटल्स के जरिए भेजते हैं, रॉकेट्स के जरिए भेजते हैं ना, तो इनका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, जबकि तभी ये जो मैन है ना तभी सस्ता है, क्योंकि ये तो हम नीचे ग्राउंड लेवल पे इसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो थोड़ी सी मॉडरेट एक्सपेंसिव यानी कि औसतन महंगी होती हैं ये, जबकि लैन है वो इससे थोड़ा सस्ता है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर पॉइंट, एरर रेट्स आर लो इन लैन। अब लैन में जो होते हैं ना वो गलतियों की जो संभावना होती है वो बिल्कुल, जो गलतियों की जो दर होती है वो कम होती है। ठीक है, एरर रेट्स आर मॉडरेट, इसमें जो एरर रेट्स हैं इसमें वो औसत होते हैं मैन के अंदर। ठीक है, इसे थोड़े से मतलब रख लो कि इसमें कम एरर रेट्स की संभावना है तो इसमें उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गया, और इसमें एरर रेट्स आर हाई इन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क में एरर रेट्स की जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, जो गलतियों की जो दर है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये थे इनके डिफरेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट में कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये एडवांटेजेस ऑफ लैन, लैन की एडवांटेजेस क्या है। लैन इज इजी टू डिजाइन एंड इंस्टॉल, लैन जो है वो डिजाइन करने में आसान है और इंस्टॉल करने में भी आसान है। वर्क स्टेशन कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड विद सर्वर्स सच एज प्रिंटर्स स्कैनर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो वर्क स्टेशन होते हैं यानी कि कंप्यूटर जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्क स्टेशन। कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस, जो डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस बोल रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, वो पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं विद सर्वर, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर्स हो गया। ठीक है, वर्क स्टेशन कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस, ये लैन की एडवांटेजेस है। अब थर्ड आ गया, वर्क स्टेशन डू नॉट नीड देयर ओन सीडी रोम डीवीडी ड्राइव्स। बोल रहे हैं कि वर्क स्टेशन जो होते हैं ना, कंप्यूटर जो होते हैं, इसमें सर्वर तो लगा होता है ना, सर्वर का जो भी डाटा स्टोर होगा, जो भी सीडी रोम यूज होगा, वो होगा सर्वर का यूज। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल में, ये देखो, इसको बोल रहे हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस, ये प्रिंटर हो गया या इंटरनेट लगा हुआ है, एक मॉडेम वगैरह लगे होते हैं, स्विच लगा हुआ है, इन पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, यानी कि सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर के ऊपर जो लगे होंगे, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो इंटरनेट है, या सर्वर का जो जहाँ पे सीडी डालते हैं, सीडी यहाँ पे डालेंगे और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो यहाँ से डाटा को रीड करेंगे, सारे के सारे कंप्यूटर डाटा को यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को फेच भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो लैन के जरिए ये लैन के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन डू नॉट नीड देयर ओन सीडी रोम एंड डीवीडी ड्राइव। ठीक है, वर्क स्टेशन जो है यानी कि दूसरे जो कंप्यूटर है उनमें अगर सीडी रोम डीवीडी ड्राइव नहीं लगी होंगी तो कोई बात नहीं है, सर्वर के अंदर डालेंगे डीवीडी सीडी या पेन ड्राइव जो भी लगाना है, और अपने कंप्यूटर जो दूसरे हैं उनके अंदर हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा मीन्स दे कैन स्टोर देयर डाटा डायरेक्टली ऑन सर्वर हार्ड डिस्क। ठीक है, वर्क स्टेशन डू नॉट नीड देयर ओन सीडी रोम डीवीडी ड्राइव्स की जरूरत नहीं है। हार्ड डिस्क टू स्टोर डाटा मीन्स
वो क्या कर सकते हैं, सीधा सर्वर के जो हार्ड डिस्क है उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, हाई स्पीड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, और डाटा के जो एक्सचेंज करने की जो स्पीड होती है वो भी हाई है, इसमें ज़्यादा है। उसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके जो कुछ दोष भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। सिक्योरिटी मेजर्स रिक्वायर टू स्टॉप अदर यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग प्रोग्राम। अब इसमें ना सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी अगर हमने इसमें नहीं रखी होगी तो कोई भी कंप्यूटर जुड़ के सर्वर का डाटा जो है वो चुरा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया होता है, जो भी कंप्यूटर इसके अंदर लगे होते हैं उनको भी एक एक पासवर्ड, एक एक यूज़र इशू किया होता है, ठीक है। वो यूज़र अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के सर्वर के साथ सीधा जुड़ सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर्स रिक्वायर टू स्टॉप अदर यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग प्रोग्राम। उसका सेकंड आ गया स्किल्ड टेक्नीशियन रिक्वायर टू सेटअप द नेटवर्क। इसमें कुछ निपुण जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है उस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में, उसका सेटअप करने में, ठीक है। इसका खर्च आता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, सर्वर को मेंटेन करने के लिए एक नेटवर्क स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्किल्ड होता है वो टेक्नीशियन, उसको स्किल्ड टेक्नीशियन भी बोलते हैं या उसको नेटवर्क स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 और क्वेश्चन नंबर 25। अब आती है एडवांटेजेस ऑफ बैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वी कैन शेयर इन्फॉर्मेशन ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। अब ये मेन एडवांटेज है वाइड एरिया नेटवर्क की, कि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक बहुत ही बड़े भौगोलिक क्षेत्र में। यानी कि अब देखो वैन में पूरी दुनिया डाटा को शेयर कर रही है, गूगल को हम यहाँ पे भी ओपन कर रहे हैं, है ना, कंपनी कहाँ पे जाके USA में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, और ऐसा है नहीं है दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सारे की सारी डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, तो वो पॉसिबल है वैन की वजह से, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर हमारे जो केबल्स हैं सबमरीन केबल्स हैं जो समुंदर में डली हुई हैं वो एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ रही हैं, ठीक है। वैन प्रोवाइड हाई स्पीड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अब ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो हाई स्पीड हमें उपलब्ध करवाता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 150 Mbps डिपेंड करता है हमारे जनरेशन के ऊपर। जैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, टेक्निक थोड़ी एडवांस होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। 4G है, 5G आ जाएगा, 6G आ जाएगा, इस तरह से 10G आएगा, ठीक है। अब उसकी कुछ एक डिसएडवांटेज है, अ गुड फायरवॉल नीड टू रिस्ट्रिक्ट आउटसाइडर्स फ्रॉम इंटरप्टिंग द नेटवर्क। अब इसमें ना एक अच्छे फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है। एक फायरवॉल का मतलब होता है कि एक अच्छा, जिसको हम एंटीवायरस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़े लेवल का फायरवॉल होता है, एक गेटवे फायरवॉल होता है, इसमें सॉफ्टवेयर ही डाला होता है जो क्या करता है डाटा की फिल्ट्रेशन का काम होता है, वो आउटसाइडर्स को मतलब जो हैकर्स होते हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे नेटवर्क को इंटरप्ट करने से, ठीक है। हैकर्स कैन इन्फेक्ट द ऑनलाइन वर्क स्टेशन विद वायरस। अब देखो वैन में यही तो दिक्कत रहती है कि हैकर्स क्या करते हैं कि वो इन्फेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन वर्क स्टेशन को विद वायरस। वायरस से क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं, चुराते हैं हैकर्स, ठीक है। द सेटअप ऑफ वैन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये जो वैन का जो सेटअप करने का जो खर्च आता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में देखो अगर सैटेलाइट ही हमने लगाना हो तो रॉकेट्स के जरिए भेजेंगे, स्पेस शटल्स के जरिए भेजेंगे, और उसमें जो सैटेलाइट का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन 24 जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आप सब ने नोट कर लेने हैं, इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो गया है, कल फिर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।